Hello and welcome everyone, myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 17, study note number 2, that is business combination illustrations. So in this video we will solve illustration number 18. The following are the balance sheets of Rito Limited and Arima Limited as on 31st March 2017. So हम लोग को दो कंपनीज का बैलेंस शीट दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम लोग को बोला है इट वॉज डिसाइडेड दैट द अरिमा लिमिटेड विल एक्वायर द बिजनेस ऑफ रितो लिमिटेड, यानी कि अभी अरिमा लिमिटेड विल एक्वायर टू द रितो लिमिटेड. ठीक है, तो एक्विजिशन वाला क्वेश्चन है. फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ बिजनेस लॉसेस द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द मर्जर. ओके, तो मर्जर का जो भी स्कीम है वो दिया हुआ है. अरिमा लिमिटेड विल इशू इट्स शेयर्स ₹10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेट ₹10 पर शेयर इनटू अ वन शेयर ऑफ ₹100 ईच न्यू शेयर्स. ओके, तो इधर क्या हुआ है ना, उन लोग ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन किया है. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी है और मर्जर वाला पार्ट भी है, मतलब दोनों का कंबाइन क्वेश्चन है ये. तो इधर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है वो क्या बोलता है कि अरिमा लिमिटेड मतलब जो कंपनी ने एक्वायर किया है वो कंपनी का रिडक्शन होने वाला है शेयर प्राइस में ₹10 तक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो उसका वैल्यू था अरिमा लिमिटेड एंड रितो दोनों का भी ₹100 था, मतलब फेस वैल्यू 100 था, वो अभी 10 करने जा रहा है. इसका मतलब रिडक्शन है 90 का, यानी कि 90% रिडक्शन किया है. ओनली 10% अमाउंट इधर कैपिटल एज अ कैपिटल रख रहे हैं वो लोग. तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिडक्शन का एडजस्टमेंट है. उसके बाद इधर कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट दिया है. तो जब भी हम लोग परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट हम लोग को इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद जब भी हम लोग एंट्रीज पास करेंगे तभी भी ये इम्पॉर्टेंट है. बैंक एग्रीज टू वेव द लोन ऑफ ₹18 लाख ऑफ अरिमा लिमिटेड. सो बैंक एग्री कर रहा है, मतलब ये जो लोन है हम लोग का बैंक लोन लोन फ्रॉम बैंक अरिमा लिमिटेड का ओनली वो कम किया है, बैंक ने वेव किया है क्योंकि उन लोग का इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है. शेयर होल्डर्स ऑफ रितो लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ अरिमा लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन रितो लिमिटेड. ओके, तो उन लोग को जितना मतलब 1 शेयर है तो 1 ही शेयर मिलेगा अरिमा लिमिटेड में जो शेयर होल्डर्स है रितो लिमिटेड के. ओके, नेक्स्ट बोला है सिंडिकेटर्स ऑफ अरिमा लिमिटेड इंक्लूड 30 लाख पेबल टू द रितो लिमिटेड. उन लोग का क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट है. हम लोग कैसे करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करेंगे तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा. ये न्यू बुक में एंट्री आएगा, मतलब अरिमा लिमिटेड में ये एंट्री आएगा. आफ्टर द मर्जर द प्रपोज डिविडेंड ऑफ रितो लिमिटेड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ रितो लिमिटेड. मतलब ये जो डिविडेंड हम लोग को इधर दिख रहा है अनपेड डिविडेंड रितो लिमिटेड का वो पे किया जाएगा आफ्टर द मर्जर, मतलब जो न्यू एंट्रीज करेंगे तभी उसका एंट्री हो जाएगा. रितो लिमिटेड विल कैंसल 20% होल्डिंग ऑफ अरिमा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट विच हेल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 75 लाख. मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इधर इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन अरिमा लिमिटेड. सो रितो वाले ने क्या किया था, अरिमा में इन्वेस्ट किया था, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका 20% कैंसल किया जा रहा है. ओके, तो जब भी परचेज कंसिडरेशन देंगे तभी ये 20% हम लोग को याद रखना है. ओके, और बाद में एंट्रीज करते वक्त ये वैल्यू भी हम लोग कंसिडर करेंगे. ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अरिमा लिमिटेड विल रेज अकॉर्डिंगली टू कैरी आउट द स्कीम. इसका मतलब है ऑथोराइज कैपिटल उन लोग का लिमिट एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है. तो हम लोग को क्या करने बोला है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरिमा लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर एज ऑन 31st मार्च 2017. ओके, 31st मार्च 2017 को मर्जर हुआ है तो उसी दिन का आफ्टर मर्जर वाला बैलेंस शीट बनाना है और जो भी जर्नल एंट्रीज है अरिमा लिमिटेड में वो हम लोग को प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रितो लिमिटेड. तो रितो में कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था अच्छे से हम लोग को देखना है. सी अमाउंट्स इन लैक्स बोला है. सो रितो का जो भी कैपिटल है वो 600 दिख रहा है. सो 600 के ऊपर हम लोग को लैक्स टाइप करना है. सो हम लोग ने लैक्स टाइप किया तो टोटल हम लोग का अमाउंट आ गया. अभी जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 100 है. सो डिवाइड करेंगे 100 से तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 6 लाख. ओके, 6 लाख हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स है रितो लिमिटेड का. अभी जो हम लोग का एडजस्टमेंट दिया है ये जो एडजस्टमेंट है वो परचेज कंसिडरेशन का एडजस्टमेंट है। तो उन्होंने बोला कि शेयर होल्डर्स ऑफ रितो लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ अरिमा लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन रितो लिमिटेड। मतलब अगर रितो में 1 शेयर है तो अरिमा में भी 1 शेयर ही मिलेगा, यानी कि 6 लाख शेयर है हम लोग के टोटल। तो हम लोग को अरिमा में टोटल 6 लाख शेयर ही मिलेगा, 1 to 1 है ना। सो जितना शेयर है उतना पूरा मिलेगा। सो इधर हम लोग 6 लाख लिखेंगे, शेयर्स गिवन बाय अरिमा लिमिटेड 6 लाख। ओके, अभी हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसी रितो लिमिटेड विल कैंसिल 20% होल्डिंग ऑफ अरिमा लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बोला है ना हम लोग को। तो वो शेयर्स 20% शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल कर रहे हैं यानी कि हम लोग को वो माइनस करना पड़ेगा, कितना शेयर्स है वो माइनस करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग इधर वर्किंग नोट बनाएंगे, तो हम लोग को प्रॉपर नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएगा, क्योंकि इधर है ना वो फेस वैल्यू का कंसोलिडेशन वो सब एडजस्टमेंट्स है। तो हम लोग को प्रॉपरली फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो अरिमा लिमिटेड है उसका टोटल कैपिटल कितना है, सी 300 दिख रहा है और ऊपर लैक्स है। तो सी हम लोग कैलसी पे करते हैं, 300 है ऊपर लैक्स है, यानी कि टोटल अमाउंट इज़ 3 करोड़। ओके, सो 3 करोड़ इतना उन लोग का कैपिटल है अरिमा लिमिटेड का, सी अरिमा लिमिटेड, क्योंकि हम लोग उसका ही नंबर ऑफ़ शेयर्स माइनस करेंगे ना, शेयर्स हेल्ड बाय रितो लिमिटेड इन अरिमा लिमिटेड। सो अरिमा का हम लोग कैपिटल ले रहे हैं, दैट इज़ ₹3 करोड़ कैपिटल हम लोग ने लिया। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, जो भी ये एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है। सी अरिमा लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 पर शेयर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग का जो फेस वैल्यू था वो 100 था। ओके, अभी वो रिड्यूस करके 10 किया है, मतलब रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन का जो एडजस्टमेंट रहता है वही है। मतलब पहले 100% अमाउंट हमारे पास था, अभी वो 10 किया है, मतलब 90 से वो डिक्रीज़ किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। ओके, तो इधर क्या होगा, क्यों 10% से किया हम लोग ने, पहले 100 था फेस वैल्यू, अभी वो 10 के ऊपर लाके रखा है, इसका मतलब 90 का रिडक्शन हो गया। तो ये जो फुल अमाउंट है ये 100% अमाउंट है, अभी सिर्फ ₹10 तक रखना है, यानी कि 10% ही रखना है। तो इसीलिए 10% हम लोग ने लिखा है। सो 3 करोड़ का 10% इतना ही कैपिटल अभी अरिमा लिमिटेड का रहेगा, दैट इज़ ₹30 लाख। ओके, ये हम लोग का कैपिटल रहेगा अरिमा लिमिटेड का। तो अभी हम लोग को क्या बोला है कि 20% शेयर कैंसिल कर रहा है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। सी हम लोग को क्या बोला है कि कंसोलिडेशन होगा ₹10 के वाइज, लेकिन बाद में उसको अगेन कन्वर्ट किया जाएगा 100 ईच के ऊपर, मतलब न्यू शेयर्स 100 इतना ही फेस वैल्यू रहेगा। ओके, इधर अप टू 10% हम लोग को रिड्यूस करने बोला है, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू फाइनली रहेगा वो 100 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 लाख है, मतलब जो न्यू कैपिटल हम लोग का रहेगा आफ्टर रिडक्शन, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ₹100 से। तो हम लोग को नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएगा। सो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ़ शेयर्स 30,000। 30,000 शेयर्स फाइनली है अरिमा लिमिटेड का न्यू, मतलब आफ्टर दिस मर्जर एंड ऑल वो एडजस्टमेंट करने के बाद 30,000 शेयर्स बचेगा। तो अभी हम लोग ये 20% यूज़ करेंगे। सी टोटल जो 30,000 है उसका 20% हम लोग कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो रितो लिमिटेड ने हेल्ड किया था। ओके, तो इधर हम लोग 30,000 शेयर्स का 20% फाइंड आउट करेंगे। सी 30,000 शेयर्स है ओवरऑल, उसका 20% यानी कि 6,000 शेयर्स कैंसिल करना है हम लोग को। सो 6,000 शेयर्स कैंसिल करना है। तो इधर हम लोग लेस करेंगे शेयर्स हेल्ड बाय रितो लिमिटेड, जो कैंसिल करना है दैट इज़ 6,000 शेयर्स। ओके, तो अभी फाइनली इतना अरिमा देने वाला था 6 लाख, उसमें से कैंसिल किया हम लोग ने 6,000। सो हम लोग का आ गया 5,94,000। नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड बाय अरिमा लिमिटेड टू द रितो लिमिटेड दैट इज़ 5,94,000। ठीक है, अभी हम लोग टोटल परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे। सी हम लोग को टोटल 5,94,000 इतना शेयर्स मिलने वाला है। ओके, और उसका जो वैल्यू रहेगा वो 100 बोला है। सी फाइनल जो वैल्यू रहेगा वो 100 रहेगा। तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे ₹100 से, तो हम लोग को टोटल परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा। सी 5,94,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो टोटल आ गया इतना। और अभी क्वेश्चन में बाकी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में कन्वर्ट किया है, मतलब हम लोग डिवाइड बाय 1 लाख करते हैं ना वो, सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 594। इससे क्या होगा ना, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मिस्टेक्स नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ज़ीरो रहेंगे, एक भी ज़ीरो इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो हम लोग इधर 594 लाख इतना लिखेंगे, रुपीज़ 594 लाख। ओके, तो इधर हम लोग का परचेस कंसिडरेशन रेडी है। अभी सिंपली हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है वो दैट इज़ अरिमा लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 per share। ओके, ये जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन वाला एडजस्टमेंट है वो हम लोग बाद में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ₹10 per share वो वाला, मतलब हम लोग जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में करते हैं हमेशा वो, मतलब 100% कैपिटल रहता है उसका, हम लोग को 10% ही रखना है, 90% कैपिटल रिडक्शन में भेजना है, वही हम लोग कर रहे हैं इधर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल चेक करेंगे अरिमा लिमिटेड का कितना है, 300 है, तो इसका हम लोग को 10% रखना है और 90% कैपिटल रिडक्शन में शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पूरा कैपिटल है वो पूरा डेबिट करेंगे, दैट इज़ 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो इसमें कैसा है 10% हम लोग को रखना है, तो 300 का 10%, एक ज़ीरो ऐड किए तो 10% आता है, सो इट इज़ 30। ओके, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 300 minus 30 दैट इज़ 270। ओके, तो इधर हम लोग का फर्स्ट एंट्री रेडी है जो कैपिटल रिडक्शन वाला होता है वो। सो इधर हम लोग चाहिए तो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस अप टू ₹10 per share, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस अप टू ₹10 per share। अभी हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे जो कंसोलिडेट करना है हम लोग को शेयर सी। इधर तक हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट है क्योंकि हम लोग ने ₹10 per share वो वाला किया। अभी नेक्स्ट देन कंसोलिडेट ₹10 सच शेयर्स इनटू 1 share of ₹100 ईच न्यू शेयर्स। ओके, तो इधर क्या हो गया, हम लोग ने पर शेयर वैल्यूज़ का 10 किया क्योंकि हम लोग ने 10 तक रिड्यूस किया, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी वो 10 तक रिड्यूस किया है ना, वो पर शेयर वैल्यू अभी 100 तक लेके जाओ। अभी ये जो एंट्री होता है कंसोलिडेट करते हैं ना हम लोग शेयर्स को, वो सेम ही होता है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन उसमें से फेस वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो इधर हम लोग वो पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज़, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का 30 है तो वो 30 ही आएगा, लेकिन ये जो एंट्री है वो ₹10 के हिसाब से है। ओके, अभी हम लोग उसको 100 के हिसाब से करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100 ईच। इसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ़ शेयर्स चेंज हो जाता है, इधर ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स, और जब भी हम लोग 100 करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो जाते हैं, लेकिन अमाउंट में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। जब भी हम लोग को ये एंट्री पास करना रहता है वो सेम ही पास करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू रहता है वो, मतलब कम वैल्यू ₹10, और उसके बाद हम लोग ₹100 करते हैं, उसको हम लोग कंसोलिडेट करना बोलते हैं। ओके, तो इधर शेयर्स का कंसोलिडेशन भी हो गया है। अभी नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे। ओके, तो इधर हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट है बैंक वेव एग्री टू वेव अ लोन ऑफ ₹18 लाख ऑफ अरिमा लिमिटेड। ओके, ये जो लोन है, लोन फ्रॉम बैंक्स, वो 18 लाख से कम करने जा रहा है बैंक। सो इधर तीसरा एंट्री दैट इज़ लोन्स फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज़ 18 लाख है वो, तो टू, अभी इधर हम लोग जो भी प्रॉफिट लॉस रहता है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं। सो इधर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओके 18 लाख। अभी नेक्स्ट एंट्री सी इधर तक हम लोग का हो गया है। अभी नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स ऑफ रितो लिमिटेड विल गिव दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन का एडजस्टमेंट जो हम लोग ने किया है। अभी नेक्स्ट है सन्डी क्रेडिटर्स ऑफ अरिमा लिमिटेड इंक्लूड्स 30 लाख ओके। तो लेकिन ये एंट्री हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग का गेन ऑन बार्गेन परचेस या फिर गुडविल आता है ना वो वाला एंट्री हम लोग करेंगे। मतलब इधर तक हम लोग का जो भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का एंट्रीज है वो हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग का मर्जर वाला एंट्रीज रहेगा। तो मर्जर में हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग को असेट्स आ रहा है। अभी रितो लिमिटेड का असेट्स अरिमा में आ रहा है। सो असेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट करते हैं, वो वाला एंट्री अभी हम लोग करेंगे। सी फिक्स असेट्स रितो लिमिटेड का दैट इज़ 810 डेबिट करेंगे। उसके बाद डेटर्स, कैश एट अ बैंक, ये तीनों चीज़ें हम लोग को डेबिट करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते वक्त तो ये 210 में से हम लोग को ये 75 लाख माइनस करना है। मतलब 210 माइनस 75 करेंगे तो 135, इतना ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये कैंसिल किया है तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे असेट्स रितो लिमिटेड के डेबिट करेंगे। सो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट दैट इज़ 810 ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैसे लाया हम लोग ने 210 माइनस 75 तो हम लोग का आ गया 135। देन है डेटर्स अकाउंट डेबिट दैट इज़ 120। उसके बाद है कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज़ 75 ओके। तो इधर हम लोग का जो भी असेट्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे। सो टू कंसिडरेशन अकाउंट, हम लोग का कंसिडरेशन आया था 594 लाख। बाकी सारे अमाउंट्स भी वैसे ही है तो ये भी हम लोग ने कन्वर्ट किया था। सो 594। अभी लायबिलिटीज़ हम लोग लिखेंगे। सी ये तो कैपिटल है, देन रिजर्व्स है, उसके बाद डिबेंचर रितो का है और लोन फ्रॉम बैंक है और सन्डी क्रेडिटर्स एंड अनपेड डिविडेंड्स। तो चार लायबिलिटीज़ है वो हम लोग लिख के लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10% डिबेंचर अकाउंट दैट इज़ 150। देन लोन फ्रॉम बैंक दैट इज़ 75। उसके बाद है क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज़ 90। उसके बाद है अनपेड डिविडेंड ओके, वो है हम लोग का 60। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो भी चार लायबिलिटीज़ था वो रिकॉर्ड करके हुआ है। अभी सिंपली हम लोग चेक करेंगे कि गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है कि गुडविल आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट का टोटल दैट इज़ 810 प्लस 135 प्लस 120 प्लस 75 तो हम लोग का टोटल आ गया इतना। उसमें से हम लोग क्रेडिट के अमाउंट्स माइनस करेंगे तो हम लोग को समझेगा। सो माइनस 594 माइनस 150 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 60 तो हम लोग का गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है क्योंकि असेट का टोटल ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ का कम है। तो जो भी बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट में रहेगा। सो उसको हम लोग गेन ऑन बार्गेन परचेस बोलते हैं दैट इज़ 171। सो टू गेन ऑन बार्गेन परचेस अकाउंट दैट इज़ 171 ओके। ये जो गेन ऑन बार्गेन परचेस होता है उसी को कैपिटल रिजर्व भी कहा जाता है। सो ये जो पार्ट होता है वो बैलेंस शीट में जब जाता है वो एज ए रिजर्व जाता है जिसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो इधर हम लोग का वो एंट्री हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला एंट्री कर सकते हैं ओके। तो सी इधर तक हम लोग का जो भी जनरल एंट्रीज़ है वो पास करके हुआ है। अभी आगे का मतलब ये जो एंट्री है उससे आगे जो भी एंट्रीज़ है वो सारे अभी मर्जर के ही एंट्री है। तो हम लोग जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस होता है वो एडजस्ट करके बाद में आगे के एंट्रीज करेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है दैट इज़ 270, इतना बैलेंस क्रेडिट में है कैपिटल रिडक्शन का। उसके बाद इधर अगेन क्रेडिट हुआ है कैपिटल रिडक्शन, दैट इज़ प्लस करेंगे हम लोग 18। सो कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस है 288। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट में इतना है। अभी हम लोग को पता है कि जब भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो भी लॉसेस रहते हैं वो राइट ऑफ किए जाते हैं। सी, ये जो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस, वो हम लोग को राइट ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज़ 288, ये क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करेंगे। सी, फिफ्थ एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट दैट इज़ 288। इसमें से हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो राइट ऑफ करेंगे दैट इज़ 240। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने ये सीखा था कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे हम लोग करते हैं। सो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज़ 240। अभी डेबिट में 288 है और क्रेडिट में 240 है, तो हम लोग माइनस करेंगे। सो जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज़ 48, जिसको हम लोग मतलब ये जो अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर है। ओके, चाहिए तो आप लोग लिख के रखो ताकि बाद में आ जाए, याद आ जाए। सो इट इज़ बैलेंसिंग फिगर। सो इधर हम लोग का जो भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद सी, ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट एंड थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट भी हुआ है हम लोग का। अभी नेक्स्ट है सिंडिकेटर्स ऑफ अरिमा लिमिटेड इंक्लूड्स 30 लाख पेएबल टू द रितो लिमिटेड। जो क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करते हैं, तो वो इजीली एडजस्ट हो जाता है। सो इधर हम लोग वो एंट्री करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 30 लाख। ओके, सो इधर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि अभी एक दूसरे का डेटर क्रेडिटर है ये लोग, मतलब रितो लिमिटेड अरिमा लिमिटेड दोनों भी कंपनीज एक होने जा रहा है, तो अभी क्रेडिटर डेटर रख के कुछ भी मतलब नहीं है। सो इसीलिए वो कैंसिल किया जाता है। अभी फिफ्थ एंट्री दैट इज़ आफ्टर मर्जर द प्रपोज डिविडेंड ऑफ रितो लिमिटेड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ रितो लिमिटेड। मतलब ये जो अनपेड डिविडेंड था 60 लाख का वो अभी पे कर रहे हैं अरिमा लिमिटेड में, मतलब अरिमा लिमिटेड में जाने के बाद वो पे किया जा रहा है। तो हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। इधर सी, सेवेंथ एंट्री आएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो 60 लाख जो अमाउंट है वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग का वो भी एंट्री कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट हम लोग का एंट्री आएगा सी, फिफ्थ तक हो गया। अभी नेक्स्ट है रितो लिमिटेड विल कैंसल दैट इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो हम लोग ने किया है। ओके, तो सी इधर हम लोग के सारे एंट्रीज कवर हो चुके हैं। सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंसिडरेशन है वो कैसे दिया हम लोग को इक्विटी शेयर्स दिया, तो वो भी एंट्री पास करके लेंगे ताकि बैलेंस शीट बनाने में हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। सी, एट्थ एंट्री दैट इज़ लास्ट एंट्री, जो कंसिडरेशन दिया गया वो इक्विटी शेयर है, तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट दैट इज़ 594 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज़ 594। ओके, तो इधर हम लोग का जो भी जर्नल एंट्रीज थे वो सारे कवर हो गए हैं। अभी सिंपली हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आफ्टर मर्जर। ओके, तो इधर बैलेंस शीट हम लोग ने प्रिपेयर किया है 31 मार्च 2017 को। फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स, तो असेट्स में फिक्स असेट पहले आएंगे। फिक्स असेट इसमें कैसे होता है कि दो कंपनीज एक हुआ है तो दोनों कंपनीज का जो असेट्स है उसका टोटल हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है, और उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो वो चेक करना होता है। सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल 810 प्लस 255 जो टोटल है वो हम लोग असेट्स में लिखेंगे। सो 810 प्लस 255 जो टोटल है हम लोग आउटर में लिखेंगे दैट इज़ 1065। नेक्स्ट है अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं सी, फिक्स असेट्स का हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट में अरिमा का कुछ नहीं है, रितो का 210 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेते वक्त कितना लिया है, सी 135। हम लोग वैसे ही टिक करते जाएंगे जो जो चीज़ें हो रहा है। सो इधर इन्वेस्टमेंट 135 क्योंकि हम लोग ने 75 माइनस किया था, सो 135 इतना ही रिकॉर्ड होगा। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 135 कैसे लाया चाहिए तो हम लोग लिख के रखते हैं। 210 था, माइनस किया 75 तो 135 आ गया। ओके, उसके बाद है करंट असेट्स। करंट असेट्स में है सन्ड्री डेटर्स, तो क्वेश्चन में हम लोग चेक कर दे कितना है। सी रितो का है 120 और अरिमा का है 45। ओके, तो इसमें क्या है, जो अरिमा का डेटर्स है उसमें से हम लोग ने वो 30 लाख का एडजस्टमेंट किया है, तो हम लोग वो भी एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रितो लिमिटेड का 120 प्लस अरिमा का 45 माइनस जो एडजस्टमेंट किया वो 30। सी रितो का हम लोग ने 120 लिया, उसके बाद अरिमा का लिया और उसमें से सी ये जो एडजस्टमेंट है 30 लाख का वो किया, तो हम लोग का फाइनल फिगर आ जाएगा दैट इज़ 120 प्लस 45 माइनस 30 दैट इज़ 135। तो हम लोग का अमाउंट आ गया 135। कैश एट अ बैंक, अभी कैश एट अ बैंक कितना दिया है, अरिमा का कुछ नहीं है, रितो का 75 लाख दिया है, सो इधर आएगा 75। लेकिन जो लास्ट में हम लोग ने डिविडेंड पे किया वो भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये जो 60 है वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पहले कैश एट अ बैंक था 75, उसमें से पेमेंट किया 60 का, अभी बचा सिर्फ 15। ओके, तो ये जो टोटल है करंट असेट्स का वो हम लोग आउटर में लिखेंगे दैट इज़ 150। तो अभी हम लोग जो असेट साइड का टोटल है वो चेक करेंगे दैट इज़ 1065 प्लस 135 प्लस 150, हम लोग का टोटल आता है 1350। ठीक है, तो इधर हम लोग का टोटल आ गया है वन साइड का। अभी हम लोग लायबिलिटी साइड देखेंगे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेते वक्त थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग ने किया था। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिडक्शन वाला एडजस्टमेंट है वो, तो इधर हम लोग ने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया, मतलब बैलेंस शीट का जो अमाउंट था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है 30। ओके, तो हम लोग 30 टाइप करते हैं। उसके बाद इधर जो एडजस्टमेंट है उसका हम लोग को कुछ मतलब नहीं है क्योंकि सेम ही अमाउंट है, वो तो सिर्फ कंसोलिडेट किया है, उसको कुछ नहीं करना है। सो हम लोग सिर्फ यही देखेंगे दैट इज़ 30। नेक्स्ट किधर इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, हम लोग चेक करेंगे। सी इधर जो कंसिडरेशन पे किया वो इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 प्लस 594 टोटल इज 624, ये हम लोग इधर लिखेंगे बैलेंस शीट में। सो इधर आएगा 30 प्लस 594, सो टोटल इज 624। नेक्स्ट है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व्स होता है, तो हम लोग चेक करेंगे कि रिजर्व्स कितना दिया है। रितो लिमिटेड का रिजर्व्स तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि जब भी वो कंपनी का अकाउंट्स क्लोज किया जाता है तभी वो उसके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो ये जो रिजर्व है वो हम लोग नहीं ले सकते। इसका मतलब अरिमा में एक भी रिजर्व नहीं है, तो इधर हम लोग का रिजर्व्स नहीं आएगा। लेकिन जर्नल एंट्री में हम लोग चेक करेंगे कि कुछ रिजर्व है क्या हमारे पास। सी इधर हम लोग का कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस था वो हम लोग ने रिजर्व्स में लिखा है, तो ये एक रिजर्व हो सकता है इधर दैट इज़ 48। ओके, उसके बाद ये जो गेन ऑन बार्गेन परचेस है वो भी रिजर्व ही होता है, सो ये 171। सो टोटल हम लोग को आ गया 219। सो इधर हम लोग लिखेंगे जो भी उसका रिजर्व है वो दैट इज़ 48 प्लस 171, 219 इज़ द टोटल। जो भी अमाउंट रहेगा वो आउटर में लिखेंगे। सो 219 प्लस 624 इट इज़ 843। हम लोग का ये जो फर्स्ट पार्ट है इक्विटी वाला उसका टोटल आ गया है। अभी नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज़। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग चेक कर दें कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग का हो गया, नेक्स्ट रिजर्व्स का भी हो गया, देन डिबेंचर्स 150 वो रितो लिमिटेड का है, लेकिन हम लोग ने सी इधर कंसिडर किया था जब भी हम लोग ने जर्नल एंट्री पास किया था। सो डिबेंचर इज़ 150, डिबेंचर्स 150 उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक्स, तो लोन फ्रॉम बैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल रितो लिमिटेड का कितना है सी 75 ओके। उसके बाद अरिमा का है 135, टोटल इज 210। लेकिन जो 18 लाख का लोन फ्रॉम बैंक है वो हम लोग का वेव किया गया था, सी लोन फ्रॉम बैंक्स वेव किया था, वेव किया यानी कि वो कम हो गया ना, तो हम लोग को इसमें से माइनस करना पड़ेगा 18, दैट इज़ 192। इतना ही अमाउंट हम लोग को रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग इधर लिख के रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रितो लिमिटेड का जो लोन फ्रॉम बैंक है दैट इज़ 75 प्लस अरिमा का 135 माइनस 18 जो वेव किया गया, सो हम लोग का अमाउंट आ गया 192। तो हम लोग जो भी टोटल है वो आउटर में लिखेंगे 192 प्लस 150 दैट इज़ 342। नेक्स्ट है अभी करंट लाइबिलिटीज़, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, तो सिर्फ अरिमा लिमिटेड का बैंक ओवरड्राफ्ट है सी दैट इज़ 15, उतना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है सनरी क्रेडिटर्स जो लास्ट पार्ट है सी, इधर तक हम लोग का हो गया था, देन बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, अभी क्रेडिटर्स। उसके बाद जो अनपेड डिविडेंड है वो तो पे किया है, तो अभी वो लाइबिलिटी नहीं है, तो वो तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। देन है सनरी क्रेडिटर्स 90 प्लस 90, लेकिन इधर जो 30 लाख का एडजस्टमेंट किया है वो हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, तो 90 प्लस 90 माइनस 30, सो 150 हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। 90 लाख प्लस 90 लाख माइनस 30 लाख, अमाउंट इज़ 150। तो फाइनली हम लोग का टोटल आउटर में जाएगा, दैट इज़ 150 प्लस 15, इट इज़ 165। तो इधर 843 प्लस 342 प्लस 165, टोटल इज़ 1350। एक बार हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज है वो चेक करेंगे। बैलेंस शीट तो टैली हो गया है, लेकिन जर्नल एंट्री चेक करेंगे कि कुछ बाकी तो नहीं है रिकॉर्ड करने का। सी इधर हम लोग का कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस था हम लोग ने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया, तो ये भी हम लोग ने कंसिडर किया, ये सब कंसिडर करके हुआ है। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन कंसिडर हुआ था, देन कैश एट बैंक वाला एडजस्टमेंट किया, कंसिडरेशन का भी हो गया है। उसके बाद लोन वाला किया, सिंडिकेटर, ये डिविडेंड पे भी किया, कैपिटल रिडक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट हो गया, देन अनपेड डिविडेंड पे किया तो वो कैंसिल हो गया, एंड देन लास्ट में कंसिडरेशन किया था और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। ओके, तो इधर हम लोग का जो भी पार्ट क्वेश्चन में बोला था करने के लिए, दैट इज़ जर्नल एंट्री वाला पार्ट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाला पार्ट, वो कंप्लीट हुआ है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।